ये आ गए अपने लेंजो, ये देखिए, और आगे करके भैया सारे चढ़ जाएं। अभी गंदे बहुत हो रखे हैं, बहुत दिनों से रखे हुए हैं, करीब करीब 4 महीने से, तो इनकी अच्छी सी वॉश कराएंगे और उसके बाद इन पे अब होएगा कलर, कलर होएगा कॉपर, क्योंकि रेड कार पे कॉपर कलर अलग ही सूट करेगा। और ये अपने देखो भाई, देखने में बहुत प्यारे हैं, सूट भी यही करते हैं, और बाहर से देखने में 245 की, मतलब 230 और 245 को अलग अलग यही करते हैं। 230 में 17 इंच आते थे, 245 में 18 आते हैं, ये भी 18 है, 225 40 R18 है। लेकिन जो इसका जे है ना, ये देखो यार, 225 टायर भी इसका बाहर तक आ रहे हैं, और इनका जो अपना लेंजो है, इनका 9J है सॉरी, तो 9J का हमको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि गाड़ी को ज़्यादा चौड़ा टायर मिलेगा और गाड़ी को स्टेबिलिटी मिलेगी। भाई जैसा सोचा था ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखो अभी गंदे हैं भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, अभी सीधा वॉश पे जा रहे हैं, लेकिन कंपनी वालों की लुक की तो इस तरह मार दी। लेंजो लेंजो यार, और ऊपर से रेड कलर, इसमें अलग ही सूट कर रहे हैं, गजब यार, मज़ा आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी गाड़ी में स्ट्रेट पाइप इंस्टॉल कर ली है। सो मैं ये चीज आपको बतानी भूल गया था कि ये जो स्ट्रेट पाइप्स हैं, ये अभी मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है, इनको मैं चेंज करने वाला हूँ। मतलब इनका जो रिप्लेसमेंट है वो मिलटेक का होगा, मिलटेक का एग्जॉस्ट लगवाने वाला हूँ, ऑर्डर कर दिया है, अब देखो किस टाइम तक आता है। लेकिन मेरे को एक बार चेक करना था, जितना अभी साउंड और ग्रंट आ रहा है ना, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको मे बी मफलर या रेजोनेटर, नहीं रेजोनेटर नहीं, मफलर जरूर मिलेगा उसके अंदर, तो थोड़ा सा साउंड कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक मैं इन्हीं से काम चला रहा हूँ, मज़ा बहुत आ रहा है यार, फील बहुत आ रही है इसकी। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने ये जो अलॉयज हैं, जहाँ मेरी ए क्लास खड़ी हुई है, सो ए क्लास के जो लेंजो का जो मेरा सेटअप है वो मैं इसमें डालने जा रहा हूँ। और उसका मैंने रीज़न आपको बता ही दिया था कि यार मतलब उनका जे थोड़ा मोटा है, वो 8.5 या 9J है, ये 8J है। तो इस कार का मेरे को जो लगता है ना कि 225 40 R18 जो स्टॉक साइज़ है भाई, वो इनफ नहीं है इसकी पावर को झेलने के लिए। मतलब स्कोडा को थोड़े से और इसमें मोटे देने चाहिए थे। तो फिलहाल अभी अपना जो अपग्रेड हो रहा है वो हो रहा है 235। दूसरा अभी ये कैंडा के टायर्स पर चल रहा है यार, मैं बिलीव नहीं करता, मतलब मैं भरोसा नहीं करता ऐसे टायर्स पे, मतलब है तो चाइना ही, अब कोई कहीं का भी बोले, मैं तो चाइना मानता हूँ। सो अपना लगा हुआ है कॉन्टिनेंटल का एकदम नवा टायर। भाई मैंने गाड़ी चलाई कितनी थी अलॉयज लगवाने के बाद, ए क्लास, मुश्किल से 400-500 किलोमीटर, और उसके बाद अपनी गाड़ी में मतलब के मैंने उसको खड़ी कर दिया था। सो वो अब सेटअप इसमें लग रहा है, और अलॉयज अभी उसका है ग्रे मेटल कलर, लेकिन उसको मैं चेंज करवा के अभी इसमें अपने अलॉयज कॉपर, ग्लोसी कॉपर पेंट करवा रहा हूँ। आप देखना यार, मतलब के अब जब वो अलॉयज लग जाएंगे ना विद कलर, क्या लुक, क्या मजा आने वाला है। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपना यार, इस जगह का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, चांदन होला। सो यहाँ पर अपने अलॉयज रखे हैं, वहां से मैं अलॉयज ये उतारने हैं, वो लगवाने हैं, छोटा सा काम है, वो कराने के बाद सीधी गाड़ी जाएगी रोहन के पास अलॉयज पेंट के लिए। तो ये आ गए अपने लेंजो, ये देखिए, और आगे करके भैया सारे चढ़ जाएं। अभी गंदे बहुत हो रखे हैं, बहुत दिनों से रखे हुए हैं, करीब करीब 4 महीने से, तो इनकी अच्छी सी वॉश कराएंगे, और उसके बाद इन पे अब होएगा कलर, कलर होएगा कॉपर, क्योंकि रेड कार पे कॉपर कलर अलग ही सूट करेगा। और ये अपने देखो भाई, देखने में बहुत प्यारे हैं, सूट भी यही करते हैं, और बाहर से देखने में 245 की, मतलब 230 और 245 को अलग अलग यही करते हैं। 230 में 17 इंच आते थे, 245 में 18 आते हैं, ये भी 18 है, 225 40 R18 है। लेकिन जो इसका जे है ना, ये देखो यार, 225 टायर भी इसका बाहर तक आ रहे हैं, और इनका जो अपना लेंजो है, इनका 9J है सॉरी, तो 9J का हमको सबसे बड़ा फ़ायदा यही होगा कि गाड़ी को ज़्यादा चौड़ा टायर मिलेगा और गाड़ी को स्टेबिलिटी मिलेगी। इसी में आते भी है, और तो आते भी नहीं, नहीं, और नहीं आते भी। है ना,
मैं दूसरी ला रहा था पहले छोटी, मैंने कहा उसकी तो चारों सीट लेटा लूं तब ना आए। आ जाएंगे भैया। हाँ हाँ बस दो यहाँ आ जाएंगे, हो गया काम भाई। मतलब इस कार के अंदर स्पेस तो इतना है। वैसे शायद से ही मेरे ख्याल में 490 समथिंग तो आता ही है। अब लेटा लिया है तो उसका ऑलमोस्ट 1000 से ऊपर बूट स्पेस चला गया है। खुद देखो यार जगह, इतने बड़े बड़े 18 इंच के अलॉयज इसके अंदर ऐसे आ गए मजाक में। और मैं तो कह रहा हूँ 5 सेट आ जाएंगे पूरे, बाकी अलॉयज भी आ गए हैं और डलवाते हैं। और सबसे पहले जाकर इनको क्लीन करवा कर इनको लगवाया जाए। बिल्कुल नया टायर है देखो, फकत इसी में आ सकते थे। बूट स्पेस का मजा है इसमें। अभी करा करा रहा हूँ ठीक है। ये देखो सारे ऐसे भरे हुए गंदे टायर, और गाड़ी पूरी साफ थी अपनी। कोई नहीं, मैं फिर ड्राई क्लीन करा लूँगा एक बारी, क्योंकि इतने लंबे सफ़र से जब आऊँ ना ड्राई क्लीन वैसे भी करा लेनी चाहिए। पता नहीं क्या क्या मच्छर वच्छर क्या क्या इसमें रहता है। गाड़ी की वॉशिंग भी करानी है, सो अलॉयज उसके साथ ही धुल जाएंगे। बाकी रोहन कह रहा है कि ये अलॉयज अभी कॉपर कलर में पेंट करने हैं, जल्दी आओ, मतलब आज ये कॉपर कलर में पेंट भी हो जाएंगे। तो अभी पहले मैं ना लगा कर देखूंगा कि यार अगर ब्लैक भी अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब ब्लैक नहीं है ये है मेटल ग्रे कलर, तो ये भी अच्छा लग रहा है तो दिक्कत ही क्या है, ये भी करा लेंगे। और अगर कॉपर, वैसे मैंने कई जगह पे देखा है भाई रेड कलर पे बड़ा अच्छा सूट करता है, तो मैं कॉपर करा लूंगा। ये देखिए टायर अपने वहां खुलने लग गए हैं और इधर के उतर चुके हैं। पीसीडी सेम है भाई साहब। एक बात बोलूं, जो इसके पीछे के डिस्क है ना, ये देखो इतने बड़े हैं ना कि डबल वाले, वो भी ये गाड़ियों के ना आगे कितने बड़े नहीं होते। यही 230 और 245 का मेजर फर्क है। ये आगे देखो बारी, ये देखो। बाकी ब्रेक पैड अभी ब्रेम्बो दोनों में पूरे पूरे बचे हुए हैं, लेकिन मैं EBC ज़रूर डालूंगा इसमें, क्योंकि मेरे को ब्रेम्बो आपको पता ही है मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, वो चेंज करूँगा। धीरे धीरे काम होंगे गाड़ी के। बाकी भाई देखो एक बारी ब्रेक साइज, मेरे तो उत्ते उड़ जाते हैं भाई देखकर। बाकी टायर अपना वहाँ पर चेंज हो ही रहा है, और बाकी के अपना टायर देकर फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई ये देखो अब अपने टायर लगने हो गए चालू। ये देखो ये कहानी लग रही है, और कैसे लग रहे हैं भाई ज़रूर बताना। ये देखो एक बार लग जाएं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, और ब्लैक ही रखूं, मेरे को तो ब्लैक ही रखने का मन कर रहा है भाई, क्योंकि गाड़ी में ना पूरा ब्लैक टच है, तो मैं तो ब्लैक ही रखूंगा भाई, सोच लिया मैंने। कोई इनको वो नहीं करवा रहा अलग, मतलब कॉपर कलर नहीं करवा रहा हूँ, यही प्यारे लग रहे हैं भाई। यही कलर अच्छा लग रहा है ना इसपे, दोस्त कह रहे हैं इस पर करा कर ले गोल्डन, मैं कहा भाई ये अच्छा लग रहा है, मेरे को तो यही पसंद आए भाई, और यही लगे रहेंगे अब भाई। जैसा सोचा था ना उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखो अभी गंदे हैं भाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, अभी सीधा वॉश पे जा रहे हैं, लेकिन कंपनी वालों की लुक की तो इस तरह से मार दी। लेंजो है यार, और ऊपर से रेड कलर, इसमें अलग ही सूट कर रहे हैं, गजब यार मज़ा आ गया। और टायर साइज भी परफेक्ट है, 235 कॉन्टीनेंटल का टायर अपना। बाकी अब इस साइड के और लग जाएंगे। अच्छे ये भी लग रहे थे, लेकिन हाँ। लेकिन वो ज्यादा तगड़े लग रहे हैं। हाँ। तो अभी जा रहा हूँ मैं रोहन के पास कार विजर्ड, और यार हवा इन्होंने कुछ ज्यादा ही भर दिया टायरों में, मेरे ख्याल में 40-42 कर दिए, तो बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाकी इसकी बैलेंसिंग वगैरह भी करवानी है, और बैलेंसिंग और अलाइनमेंट दोनों करवा लेंगे। और रोहन पीछे पड़ा हुआ कि कॉपर कलर में मेरे को ये टायर मतलब अलॉयज पेंट करने ही करने हैं,
भाई जो इसमें मजा आ रहा है ना, उसने अभी गाड़ी देखी नहीं है, उसको अभी पता नहीं है कि कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं जाकर इनको वॉश करवा कर अच्छे से लगवाऊंगा, तब उसे पता लगेगा क्या लग रहे हैं। समझता नहीं है ना, ओरिजिनल कलर ओरिजिनल है, जिद्दी है और अपना भाई है, प्यारा है, फायदा बहुत उठाता है और उसके कोपर हो रहे हैं इसलिए मेरे भी करवा रहे हैं। भाई साहब मजा बहुत आ रहा है, ग्रिप एकदम से चेंज हो गई है टायरों की, मतलब जैसे ये पहले टायर स्लिप मार रहे थे ना, कितना ज्यादा स्लिप मार रहे थे भाई साहब, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल है और कैंडा 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 यार, मतलब एक चाइनीज कंपनी मैंने उसको बोला है, ठीक है, हार्ड टायर बनाती है वो, तो उसकी ग्रिप होती नहीं है ना ब्रेकिंग में, कई बारी खड़ी ब्रेकिंग मारी तो चीखे मार देती थी गाड़ी और कई बारी खींचने में भी प्रॉब्लम दे रही थी। अभी मैंने फुल पावर से कर ली, ये टायर रोड नहीं छोड़ रहे हैं बिल्कुल भी और यही मुझे चाहिए था, थोड़ा सा ये भार भी है गाड़ी से, मैं थोड़े से, तो अगर ये थोड़े से भार है ना तो इसका फायदा ये है कि गाड़ी की स्टेबिलिटी, मतलब इसका बॉडी रोल वगैरह बिल्कुल ही अब कंटेन हो जाएगा, अब बिल्कुल फकत हो जाएगा। और बाकी अभी चलते हैं भाई रोहन के पास, थोड़ा उसे मनाता हूँ, मानता तो वो है नहीं मेरी कोई बात, ठीक है, अभी भी जिद करके कह रहे लेकर आओ पेंट कराऊंगा, लेकर आओ पेंट कराऊंगा। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ लेकिन पेंट नहीं कराऊंगा, मैं अलॉयज नहीं खुलवाऊंगा। बाकी चलो तो भाई अभी मैं आ गया था प्रो कार्स पे, आपको पता ही है रोनर के पास, और अपनी कार है बाहर खड़ी हुई थी, ये जीजू की है जिनकी थार बन रही है और ये पारुल की है छोटी कार घर की, वैसे तो एंडेवर है भाई पे न्यू वाली, और देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। कहाँ खड़ी हुई थी? यहाँ खड़ी हुई थी, सीधा यहाँ से ऐसे कटाता है और यहाँ से गाड़ियाँ निकलते हैं, तो ढंग का कोई बंदा होता ना तो वो नहीं करता, लेकिन ये देखिए भैया एक बार हाथ हटाना, ये देखो साइड से पूरा का पूरा कोई स्क्रैच मार गया गाड़ी पे, ब्रांड न्यू गाड़ी कल परसों आई है, 200 किलोमीटर भी नहीं चली है, देखो नंबर भी नहीं चढ़ा है गाड़ी का। सो ये दिल्ली में आपको ना मतलब बकचोदी समझिए, ये है ही लोगों को सेंस ही नहीं है कैसे गाड़ी चलाई जाती है, हैं वो तो अभी है ना रबिंग से निशान हट गए हैं, ये देखिए ये नहीं हटा है, हट गया ये भी, ये तो हो गया गायब पैर भाई, मतलब कम था, लेकिन अगर कोई भी बंदा लेफ्ट ले रहा है ना तो ऐसे मतलब थोड़ा सोच समझ के, मैं मानता हूँ दिल्ली है मतलब ठीक है ट्रैफिक वगैरह यहाँ पर भरकर होता है, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर चलाइए यार, बंदा कितने दिल से गाड़ी लेता है भाई, अभी ये सिर्फ दिल्ली में चलाने के लिए गाड़ी लाया था है, पर थोड़ी सी स्माइल आई, उठ गया सारा निशान, फर्क नहीं पड़ता यार, और फिर अंडे पर होती तो बीप बीप नहीं, मेरे चैनल पर गाली फुल चलती है भाई, गंदी गालियाँ नहीं लेकिन बकचोदी हरामपंथी क्लीन गालियाँ, साफ हो गया वैसे, हो गया साफ, और बाकी अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर आगे, ये नहीं पता कहाँ लगा कर आया लेकिन आगे खड़ी है और वहाँ से पिक करेंगे, आगे से गाड़ियाँ भी वहीं लगवाएंगे, मैंने पारुल से यहाँ लगवा दी थी। सो इस घर आ गया था मैं रोहन के पास, थोड़ी देर के लिए गया था, तो बाहर से तो देखिए मैंने उससे वहाँ पर पूरी गाड़ी वॉश करवा ली थी, और अब देखिए अलॉयज कितने प्यारे लग रहे हैं, ये थोड़ा मेरे घर के बाहर ना कीचड़ है तो ये पता नहीं है बदतमीज़ हमेशा लगता ही लगता है, ठीक है गंदा टायर हो ही जाता है, रॉन इसको कह रहा था कॉपर, मतलब कॉपर कलर में इसको वो करने के लिए, लेकिन मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है। आगे वाला देखिए अब मज़ा आएगा, देखिए जब ये चलता है ना, इसकी सबसे अच्छी चीज़ बताऊँगा, जब ये चलता है ना तो आपको ना इसमें ये बिल्कुल जो इसके स्पाइक्स हैं ना ये दिखेंगे ही नहीं, आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगी, सिर्फ ब्रेक और इसके रोटर्स, और रोटर्स देखो यार, रोटर्स का तो मैं फ़ैन हूँ, इतने बड़े रोटर्स मैंने लिटरली मेरे पास आज तक कोई कार नहीं आई है, इसका इस रोटर्स का, और जो 340i एम स्पोर्ट्स आती है BMW की, उसके रोटर्स में सिर्फ 10mm का फ़र्क है, नॉर्मल वाली में ये सेम रोटर्स आते हैं जो वो आती है, और इवन 330i एम स्पोर्ट्स जो BMW की है उसमें भी इतने बड़े रोटर्स नहीं आते भाई, ब्रेक्स तो इस गाड़ी के बहुत फाड़े हैं बहुत, बाकी इस गाड़ी को भी लगा हुआ मैं चमकाने में, अंदर से ही देखिए पूरी साफ कर दी है मैंने, पूरी 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 मेहनत चल रही है और पूरी गजब वाली साफ कर दी है, ठीक है, और अब जो बचा है वो बचे हैं इसके मैट्स, ये देखिए ये इनमें पीछे आज मैं टायर रख के लाया था ना, और ये साफ भी इसलिए करी है, देखिए कितना गंदा हो गया, ये है पीछे आपका बूट स्पेस वाला जो यहाँ पर होता है, भाई फिसल गया था, देखिए जो यहाँ पर होता है ये इसके लिए, और ये देखिए मेरे छोटे छोटे इक्विपमेंट्स, क्योंकि जो
अपना वैक्यूम क्लीनर था वो था थोड़ा बड़ा, उसका कहीं से भी वायर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ये देखिए इससे गाड़ी साफ़ करी। यार अपनी गाड़ी साफ़ करने का मज़ा ही अलग होता है। और फिलहाल अभी ऑलमोस्ट टाइम कितना हो चुका आपको मैं टाइम दिखाता हूँ, है ऑलमोस्ट ये देखिए 10:57, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं। और आप मेरी हालत देख सकते हैं भाई, कैसे लगा हुआ, कैसे मेहनत पे। बाकी नवरात्रे ख़त्म हो तो यार ये दाढ़ी है ना, इस बार क्लीन शेव उड़ाने वाला हूँ मैं। और ये देखो यार टायर की हालत, एक ऐसा कीचड़ है, ऐसा गड्ढा है, केजरीवाल जी ने खोद तो दिया उस गड्ढे को, कभी बढ़ते नहीं है। और ये देखो यार, मैं हमेशा यार रोना पड़ता है मेरे को, इतनी अच्छी गाड़ी धुलवा कर लाया था उसके बाद ये हाल है। उसके बाद फिलहाल मेहनत पे लगे हुए मेरे भाइयों, और प्यार दिखाते रहो। बाकी कल अलाइनमेंट बैलेंसिंग और गाड़ी की करा दी जाएगी, सर्विस अपनी गाड़ी की हो चुकी है। अब ये गाड़ी इस संडे, जो मेरे भाई लोग वेट कर रहे हैं ना कि मतलब भैया अब हाइपर ड्राइव नहीं आ रही भाई जी, अपना स्पीड डीमंस का मीटअप भी है एटलीस्ट 3 महीने बाद हम मीटअप कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों ने भाई गालियाँ दे डाली मेरे को, कह रहे कि भाई क्यों मीटअप नहीं। उन्हें क्या बताऊँगा यार, मेरे पास नहीं थी बीच में गाड़ी। और ए क्लास आपको कल दिखाऊंगा, कल अपनी ए क्लास की भी डिलीवरी है, घर आ रही है वापस, तो उसको मेरी वाइफ चलाएंगी। अभी ए क्लास में इसके अलॉयज लग गए हैं, बाकी मैं ए क्लास में कोई 17 इंच के बढ़िया अलॉयज ढूंढ रहा हूँ उसके लिए, क्योंकि इसके अलॉयज तो मैं घर रखूँगा। और अभी गाड़ी साफ करके इस वीडियो का एंड करते हैं। पसीने में आप मेरी देख रहे हो हालत क्या हो गई है।